उत्तर प्रदेश की बहराइच पुलिस का एक अजब गजब कारनामा सामने आया है। बहराइच पुलिस अब जबरन चालान काटने में जुट गई है। बहराइच पुलिस का यह कारनामा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस ने एक हेलमेट वाले व्यक्ति को बाइक से उतारकर बिना हेलमेट वाले को बाइक पर बिठाया और उसकी फ़ोटो खींचकर उसका चालान काट दिया। वहीं मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहराइच पुलिस के इस कारनामे को लेकर लोग सोशल मीडिया पर जमकर सवाल उठा रहे हैं। यह मामला बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र का है, जहां रिसिया थाने में ही तैनात दरोगा जितेंद्र कुमार वर्मा ने एक युवक की बाइक का फरी चालान काटा। दरोगा ने पहले एक बाइक सवार को रोका और फिर जब देखा कि युवक ने हेलमेट लगाया रखा है तो उसकी ही बाइक से एक युवक को उतार कर दूसरे युवक को बाइक पर बिठाया और चालान काट दिया। बहराइच पुलिस के चालान काटने के तरीके का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर लोग जमकर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि आजकल बहराइच पुलिस जमकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काट रही है। पिछले दो दिनों में बहराइच पुलिस ने 83 वाहनों का चालान किया था। इसी बीच रिसिया थाना के दरोगा का यह वायरल वीडियो सामने आ गया। हालांकि वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और SP सुजाता सिंह ने बताया कि आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की जांच CEO नगर विनय कुमार द्विवेदी को सौंप दी गई है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज़।